Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Let's start today's science class. So we were learning about force, work and energy. So we have learned about force and work. So force means if an action is done, an action of pull or push that makes an object move is called a force. So an action of pull and push that makes an object move is a force. So kinds of force: muscular force, the force applied by us and animals; gravitational force, the earth has a force, that is its gravitational force; then tension, when we stretch a rubber band we feel a force, that force is tension; friction. Friction means a force that tries to stop a moving object that slides over the another is friction. Then we have learned about the work done. So if the force is applied by you to an object through a distance, the work is done. If we are applying force on some object and it is moving, so work is done. And if the object is not moving, then the work is not done. So in this image, the work is done. Object can move, but here force is applied much more, but object is not moving, so work is not done. Now about energy. The ability to do work is called energy. So what is the energy? Ability to do work, work ko complete karne ki ability. Nothing can live, move on or work without it. So without energy nothing can live and move or work without it. All living things need energy to live. Machine need energy to work. So we all need energy to live and machines need energy to work. We also need energy to work. If you don't have energy, you cannot sit properly, you cannot learn, you cannot do anything. So energy is must and most important thing. If an applied force moves an object through distance, we say that work is done. The ability to do work is called energy. Now अगर कोई object हम move कर रहे हैं और उसने कोई distance cover किया तो हम क्या कहेंगे? Work done. अब work done होने के लिए जो important चीज़ है, जो ability है जिसकी वजह से work done होगा, ability to do work is called energy. Now forms of energy. Energy कौन कौन से फॉर्म में होती है? सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास, इट इज सोलर एनर्जी. इट इज अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस, कहाँ से मिल रही है उसकी, उसी के हिसाब से हमने उसे डिवाइड किया है. तो सबसे पहले है सोलर एनर्जी. तो द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें पता है कि जो सन है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमें सन से मिलती है. कैसे मिलती है? द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सो एनर्जी हमें सन से कैसे मिलती है? जो सोलर एनर्जी है उसे यूज़ करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं और वी एंड एनिमल्स टेक द फूड दैट इज़ मेड बाई प्लांट्स. जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उसके ही फ्रूट्स हम खाते हैं, वेजिटेबल्स हम खाते हैं या दूसरी चीज़ें प्लांट्स से रिलेटेड हम कंज्यूम करते हैं, तो वो एनर्जी फिर से हम में आ जाती है. तो इनडायरेक्टली जो मेन या चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है तो वो क्या हो गया? सन हो गया. सो सोलर एनर्जी अभी बहुत सारे वेरिएशंस भी है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है. ठीक है, जो सोलर पैनल्स हैं उनके थ्रू सोलर एनर्जी को सेव किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज़ विंड एनर्जी. तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ विंड. जो एनर्जी विंड का जो फोर्स है उससे प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ विंड एनर्जी. इट इज़ यूज टू डू वर्क सच इज पम्पिंग वाटर, ग्राइंडिंग ग्रेन. तो विंड एनर्जी किस लिए यूज़ की जाती है? वाटर पंप करने के लिए, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए. देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जैसे कि ये विंड मिल्स है, इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नाउ वाटर एनर्जी यूजिंग द फोर्स ऑफ द फॉल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो वाटर का क्या होता है? वाटर फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, वो फॉल होता रहता है. तो उसका जो हायर लेवल और लोअर लेवल में जो फॉल होता है,
फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, उसकी वजह से क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जनरेट हुई है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. और बहुत सारी जगहों पे डैम्स बनाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें किस लिए होती है, इट इज़ फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.